बीच मध्य प्रदेश के शाजापुर पहुंचे राहुल गांधी ने राम पर ऐसा बयान दिया कि उनका विरोध शुरू हो गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में, इसी दौरान उन्होंने राम पर बयान दिया और बखेड़ा खड़ा हो गया। उन्होंने शाजापुर में एक रोड शो के दौरान यह टिप्पणी की और बयान देने के कुछ ही देर बाद उनका विरोध हुआ। राहुल की गाड़ी जब सड़क से गुजरी तो उसी समय दूसरी तरफ खड़े कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। नारेबाजी के बीच राहुल ने इन लोगों से हाथ भी मिलाया, लेकिन जय श्री राम के नारे लगते रहे। इससे पहले राहुल जब अपनी गाड़ी पर बैठे थे तो इन लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम के नारे भी लगाए। पीएम के नाम के नारे सुनकर राहुल गांधी अपनी गाड़ी से उतरे और इन लोगों से मिलने पहुंच गए। इन लोगों से मिलने के बाद राहुल वापस अपनी गाड़ी में गए। इस दौरान लगातार नारे लगते रहे। लोगों ने राहुल के सामने बार बार जय श्री राम के नारे लगाए। नारेबाजी के बीच गाड़ी में बैठे राहुल ने इन लोगों को फ्लाइंग किस दी और थम्स अप किया। लेकिन जब तक राहुल गांधी वहां रहे, सड़क के दूसरी तरफ खड़े लोग जय श्री राम के नारे लगाते रहे। एमपी के शाजापुर में अपने रोड शो में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और राम पर कुछ ऐसा बोल दिया कि सियासी पारा चढ़ गया। मोदी जी चाहते कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। राहुल ने जैसे ही ये बयान दिया वो बीजेपी के निशाने पर आ गए। वो क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, छोड़ दीजिए, देश ने उनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया। इससे पहले राहुल गांधी ने वाराणसी के दौरे पर यूपी के युवाओं से जुड़ा बयान दिया था। उसके बाद बीजेपी ने खूब आलोचना की थी और इस बार उन्होंने राम के नारे से जुड़ा बयान दे दिया और इसके कुछ ही देर बाद उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। उधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लगे कमलनाथ के पोस्टर चर्चा में आ गए, क्योंकि इन पोस्टरों में कमलनाथ को मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताया गया। छिंदवाड़ा में ये पोस्टर ऐसे समय में लगाए गए जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में है। और इसी दौरान छिंदवाड़ा में लगे कमलनाथ और नकुलनाथ के पोस्टर चर्चा में आ गए। पोस्टर में नकुलनाथ की तस्वीर के नीचे तो छिंदवाड़ा सांसद लिखा दिखा, लेकिन कमलनाथ की तस्वीर के नीचे भावी मुख्यमंत्री लिखा नजर आया और इसीलिए इन पोस्टरों ने लोगों का ध्यान खींचा। बताया गया कि ये पोस्टर छिंदवाड़ा कांग्रेस की ओर से लगाए गए और इनके जरिए लोगों को महाशिवरात्रि की बधाई दी गई। लेकिन इन पोस्टरों में कमलनाथ की तस्वीर के नीचे लिखे भावी मुख्यमंत्री ने सियासी हलचल पैदा कर दी, क्योंकि छिंदवाड़ा में ये पोस्टर ऐसे समय में लगे जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और अटकलें लगी कि ऐसा कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बढ़ाने के लिए किया गया, क्योंकि कुछ दिन पहले खबर उड़ी थी कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन छिंदवाड़ा में लगे इन पोस्टरों से एक बार फिर सियासी गहमागहमी तेज हो गई।